पीपल, सुस्वागतम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी मुस्कान बुलचंदानी और मैं आई हूं न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज हम जाने वाले हैं जेतारन फॉर द गरबा नाइट, द डांडिया नाइट। इस बार नवरात्रि मनाई है नहीं कि टूर ज्यादा रहे हैं, तो इस बार हम टूर करने भी गरबों में जा रहे हैं। एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट जा रही हूँ, अभी हम वहाँ पे जाने वाले, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं गरबा लुक करने वाली हूँ। सो गरबा लुक के लिए हम जा रहे हैं ड्रेसेस देखने, तो लेट्स गो। सो अभी हम आए हैं शिवम ड्रेसेस पे, ये तो मुझे बहुत पसंद आया, मैं ये वाला ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस देखी है। हीरोइन इसका ब्लाउज बहुत प्यारा है, पर दिखाना तो शिवम बहुत क्यूट है, तो मैंने ये वाला ड्रेस लिया है, तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम निकल चुके हैं जेतारन के लिए। सब कुछ ले लिया है, गेटअप बहुत अलग होने वाला है इस बार मेरा। जेतारन में कभी गई नहीं हूँ, तो देखते कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मैं पहले नहीं बोल पाई थी, आज सप्तमी है तो ये सप्तमी का व्लॉग है। मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ आप लोगों को ये कहने में हैप्पी नवरात्रि। आई विश कि आप लोगों की नवरात्रि इस बार भी बहुत अच्छी गई होगी। इस बार मेरी नहीं अच्छी गई, क्योंकि इस बार मैं माता जी के ना व्रत रख सकी, ना मैं गरबा खेल सकी। गरबा इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग इन माई होल लाइफ। कि गरबा ऐसी चीज है कि जिसको करने के लिए मैं बहुत पागल हूँ, एकदम दया बहन जैसी। कुछ भी नहीं किया इस बार मैंने माता जी के लिए, बट मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूंगी कि एज अ गेस्ट मुझे कहीं पर जाने का मौका मिला, और वो नवरात्रि का ही फंक्शन है। सो लेट्स सी कि जेतारन का क्या रिएक्शन रहता है, लेट्स गो। मम्मी कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी को बुला रहे जेतारन? अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी को सेलिब्रिटी गेस्ट में बुलाया गया है जेतारन। मुझे गर्व फील होता है मेरी बेटी पे। क्या बात है, क्या बात है। मैं उम्मीद करूंगी कि मैं आपको हमेशा गर्व फील कराती रहूं। भाई गुड नाइट हो गई तुम्हारी? कैसा लग रहा है भाई कि हम वहाँ पे डांडिया नाइट के लिए जा रहे हैं? तेरे लिए और मम्मी के लिए अच्छा लग रहा है, बट मुझे डांडिया नहीं पसंद, क्योंकि तुझे आती नहीं है खेलने। मुझे तो बहुत अच्छे से गरबा आते हैं। मेरे भाई को डांडिया नाइट इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसको नहीं आता है गरबा वगैरह, और डांस नहीं आता। स्कूल में हमने डांस किया था, याद है? मिड ट्विस्ट ऐसे कोई गाना था, ट्विस्ट करके, उसपे मेरे भाई ने डांस किया था। उसको मिला था टिफिन बॉक्स, याद है प्राइस तेरा? वो रेसिंग में मिला था। नहीं भाई, स्कूल में डांस कंपटीशन हुआ था, मतलब विनर्स थे, उनको मिल रही थी ट्रॉफीज, घड़ी वगैरह, तो वो मुझे मिली थी घड़ी वगैरह और ट्रॉफी। और जो बाकी जितने बच्चों ने, कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था स्कूल में, तो उनको मिल रहे थे टिफिन बॉक्स, ताकि वो नाराज ना हो, तो मेरे भाई को भी टिफिन बॉक्स मिला था। स्कूल की शान ये गेम्स में बढ़ाता था मैं, डांस वगैरह, आर्ट से रिलेटेड हमेशा मैंने स्कूल का नाम बढ़ाया है। और एथलीट अगर बोला जाए, स्पोर्ट्समैनशिप वगैरह, तो उसमें मेरे भाई ने। लॉल, मैंने अभी टाइम देखा तो टाइम 4:15 हो रही है, 3 नहीं बज रही, और हम लेट निकले हैं। हमेशा मैं लेट हो ही जाती हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं लेट हमेशा हो जाती हूँ। 4:15 हो चुकी है और हमें 5 बजे पहुँचना है, और रास्ता 2 घंटे का है। हम थोड़े से लेट तो हैं ऑफ कोर्स, कोई नहीं, लेट्स गो। मम्मी सो गई? 2 घंटे की ड्राइविंग में भी सोना है, मतलब ये सो जाती है इसमें जा भी जगह। सो अभी हम आ चुके हैं रूम में, तो यहाँ होने वाला है हमारा फंक्शन। अबे मैं बोलता हूँ ना, हंसाते तो हंसा दिया कर, पूरा फोटो खराब हो गया। बोला ना तेरे को, मेरे को हंसा। तू क्या पहनने वाला? लहंगा। भाइयों और बहनों, आज मेरा भाई रणवीर सिंह बनने जा रहा है, पहनेगा वो लहंगा और मैं इसको पहनूंगी धोती। पूछ रहे डांडी किसे खेलते? डांडी डांडी नहीं, पहले ऊपर करते 1 2 3 4 5। Get back to professional. अरे ले ले ले, जल्दी ले भाई। ये सब beautiful. ये साथ चल रहे हैं? हाँ, ये भी आपके साथ। Let's go. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. All ready? And here we have the star who's on the way, Miss Renaissance 2022, with us on the ground. Hello, come on, everyone.
हेलो सबको, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं जेतारन आई हूँ, वो भी गरबा फंक्शन के लिए। आपकी इतनी एनर्जी, इतनी वाइब्रेंट थी कि मैं भी थिरक रही थी। स्पेशल थैंक्स टू ऋषभ जोशी जी, पवन कुमावत जी का SMS हॉस्पिटल से, और कुणाल जांगर जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इतना प्यारा गरबा नाइट मैंने नहीं इंजॉय किया, सो थैंक यू सो मच मेरा दिन भी बनाने के लिए। एंड आई होप कि आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी जाए। इनके फॉलोवर्स कम से कम 5 लाख फॉलोवर्स है, कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना देता है। वैसे ही हमारे मुस्कान जी को इंस्टाग्राम की क्वीन स्टार बना दिया है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। जी हाँ बिल्कुल, अब पवन जी जो हमारे ऑर्गेनाइजर है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप आगे की ओर आ जाए और स्वागत और अभिनंदन कीजिए मुस्कान मूलचंदानी, और साथ में बच्ची भी आएगी। प्लीज आप थोड़ा सा आगे की, हमारे बीच में इतनी नन्ही सी प्यारी सी क्यूट सी जो डॉल है उसको आप सम्मानित कीजिए। एवर रेडी है सचिन कुमावत जी, प्लीज। सचिन जी फ्रॉम नेक्स्ट बुला लो, जो बच्चे हैं क्यों सी हमारी माँ परेशान होगी, साथ साथ मैं भी, ये लोग भी बाकी रह रहे थे प्यारे लोग। सो मेरी तो बहुत प्यारी सी नवरात्रि मन चुकी है, लोगों में कितनी एनर्जी थी और कितना अच्छा फंक्शन गया है। थैंक यू सो मच जेतारन मुझे बुलाने के लिए और इतना प्यार दिखाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। आई होप कि आपको भी मैं अच्छी लगी होंगी। यहाँ का फंक्शन हो चुका और अब मैं ब्लॉग भी यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स योर मुस्कान मूलचंदानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।